सब्सक्राइब कीजिए जायकेदार खाने को और मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपको चने की चाट बनाकर दिखाऊंगी। ये चाट खाने में बहुत टेस्टी होती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। इसके लिए मैंने एक कप सफेद वाले बड़े चने दिए थे, इनको 6 घंटे के लिए पानी में भिगा दिया था। इसके बाद इसको मैंने पूरी तरह बॉयल कर लिया है, अब जो अच्छे से पक चुके हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इनको बॉयल किया है। थोड़े से सेव है, इमली की चटनी है, हरी चटनी है, एक मीडियम साइज की प्याज से इसको बारीक काट लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ती है, एक टमाटर इसको भी काट लिया है, स्मॉल साइज का टमाटर था और एक स्मॉल साइज का पोटैटो, इसको बॉयल करके मैंने इसके पीस कर लिए हैं पतले पतले। इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डाल देती हूँ, थोड़े से बारीक वाले सेव भी डाल दूंगी, एक हरी मिर्ची थी उसमें से आधी हरी मिर्ची मैं काट के इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा नमक लिया है वो भी डाल देती हूँ। नमक मैंने चना को बॉयल करते समय भी डाला था इसलिए नमक अब हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर है इसको मैं डाल देती हूँ, चाट मसाला भी हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्ची, 1/2 टीस्पून लेमन जूस है इसको डाल देती हूँ, इमली की चटनी है इसको डाल देती हूँ मैं। सारे इंग्रेडिएंट्स हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ी सी हरी चटनी डाल देती हूँ, 1 टेबल स्पून के लगभग मैं इसमें दही डाल देती हूँ। अब इनको पूरी तरह मिक्स कर लूंगी। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अब इसको मैं एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। चना चाट बनके तैयार है। इसको मैंने बारीक से और धनिया पत्ती से गार्निश किया है, बहुत टेस्टी चाट बनी है जे। जब भी हमें शाम को कुछ चटपटा खाने का मन हो तो हम इस चाट को बना के खा सकते हैं। आप भी इस चाट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरा जो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर जायकेदार खाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।